सब होकर ही के अल्लाह मालूम दी 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 अरे अमीरों के घरों पे भी किया, गरीबों के घरों पे भी किया। अल्लाह अकबर। आज हम जिन बच्चों का अगर बाप है तो अपने बच्चों को सही तरीके से न तालीम दे पाते हैं, न सही तरीके से खाने का इंतजाम करते हैं, मगर खुदा की कसम पूछे ये उम्र, ये उम्र दरवाजा दरवाजा मांगने की, बोलिए मांगने का है, चलने के लायक नहीं है, बोलने के लायक नहीं है, थोड़ी थोड़ी बोलते हैं आंखों पे आंसू आता है, थोड़ी थोड़ी चलते हैं जमीन पे बहते हैं, मगर खुदा की कसम क्या तकदीर ये है, बीमारी की हालत में है, डॉक्टर के इलाज सारे कहीं उसके बावजूद भी खबर ले रहे हैं कि मेरे मदरसे की बच्चिया क्या है, एक बाप को कितनी फिक्र है, कितनी फिक्र की हो गई है। मैं जनाबे सरपरस्त और चेयरमैन मदरसा कुलियतुल मिलाद कादरिया के, जो अभी आप मुख्तसर जुमलों में आपने सुना है, मैं उनकी बातों को तायीद करते हुए अल्लामा गुलाम रसूल अहमद के हवाले से जुमला कहना चाहता हूँ कि अल्लामा नूरुद्दीन साहब जुमला, अब घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपने दीन का किला अपना काम कर दिया है, काम था आपका काम कायम करना और इसकी हिफाजत करना मेरा इरादा है, अगर हिफाजत करना मकसद नहीं होता साहब अभी ताजा के बड़े भाई 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 उनके जिगर दुलमतीन भाई जिगर बहुत सारे नजराने के लिए नहीं आए हैं, याद कभी मेरा प्रोग्राम था इम्तियाज भाई के साथ, अचानक फोन किया इन भाइयों का कि आपको हर हाल में आना होगा, मैं कुछ देर सोचा जाऊं या जाऊं क्योंकि मुझे चार साल मगर उन्होंने जुमला कहा कि ये इदारा मेरा नहीं है, ये इदारा आप सबका है, सबों का है, अगर आप साफ नहीं देंगे तो फिर इदारा हम कैसे चले जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। रात मैं कुछ देर देर करूंगा, 10 से 5 मिनट बस आपकी मोहब्बत में चाहता हूँ, पूरा मजमा अपने नबी की मोहब्बत में बारगाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को पढ़ा, चाहे बेटा हो या बेटी आपको पढ़ा, वरना जो हालात हैं आज, जो हालात हैं अपने बच्चों को अगर वही पढ़ाओगे खुदा की कसम तो रिपोर्ट भी लिखाने के काबिल कहीं नहीं होंगे, हमने अपने बच्चों को खुद ही बर्बाद डाले हैं, इदारा खुला हुआ है अपने बच्चों को डाले, ये पैगाम आज के चैनल के हवाले से जहां तक पहुंचे पहुंचाने की कोशिश करें, इमाम आजम का बारगाह है, सुनिए इमाम आजम का बारगाह है, इमाम आजम अपने शागिर्दों के साथ बैठे हैं, मुरीदों के साथ खड़े हैं, अपने जानदारों के साथ उसी रास्ते में छोटा सा बच्चा एक नन्हा सा बच्चा कपड़ा पड़ा रहा है, पटा हुआ लिबास है, बाल उलझा हुआ है, बाप का साया उड़ चुका है, बाप का इंतकाल हो गया है, मां बच गई है, बाप धोबी का काम कर रहा था, बेटा 7 साल या 8 साल की उम्र है सोच जाने रखा, उसी रास्ते से होकर के कपड़ा धोने का काम में जाता था, धोबी का काम करता था, क्या
देखा कि इमाम आजम के बारगा में भीड़ लगी लगी है। वो बच्चा बैठ गया, आज हम जलसे में बैठना पसंद नहीं करते, आज हमारी मेरे ठहरना पसंद नहीं करते। या अल्लाह, लोगों अगर कहीं जलसे इंकार हो जाए तो बैठ जाना, जलसे में चले जाना, हो सकता है तुम्हारी किस्मत की बेराज आ जाएगी। पर अगर जलसा कबूल हो गया, तिराना कबूल, तो फिर मेरा इमाम ने फरमाया उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा घर से काम इल्ला हम थोड़ी दुनिया से मुसलमान गए। बच्चा आ रहा है उसी रास्ते से, देखा इमाम आजम के बाहर का भी भीड़ लगी हुई है। बच्चा बैठ गया, बड़ी संगीदगी से सुनी उसका बच्चा बैठा, बैठ गया तो बातें होने लगी, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। सूरज डूब गया, बेटा पलट करके वापस गया घर। फिर दूसरे सुबह को आया, फिर शाम, फिर बेटा पलट के घर गया। तीन दिन जब हो गए तो मां ने कहा बेटा क्या तुझे मजदूरी नहीं मिलती है? बेटा रोने लगा, कहा तुम्हारा कपड़ा धोता नहीं है, मजदूरी नहीं मिलती है? बेटा ने जवाब किया मां मैं कपड़ा नहीं धोता। कहा फिर तीन दिन से क्या कर रहे थे? कहा जिस रास्ते से मैं कपड़ा धोने के लिए जाता हूं, एक नूरानी चेहरे वाला की बारगाह में कुछ लोग बैठे हुए होते, मैं भी बैठता हूँ, उस लोग सुनता हूँ, दीन की बातें होती है, शरीयत की बातें होती है, कुरान और हदीस की बातें होती है, लोग आली बनते हैं, फाजिल बनते हैं, फकीर बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, बेटा रोने लगा, रोने लगा। कहा ठीक है जाओ काम करने के लिए, मजा आ गया। चौथा दिन आया, इमाम आजम के बारगाह में बैठ गया, पलटकर कहता है कहा आज की मजदूरी? कहा फिर मैं आज बैठ गया। कहा क्यों? कौन तुमको बैठाता है? चलो उसके पास। वो बुढ़िया आई इमाम आजम के बारगाह में, आई और कहा तुझे हया नहीं, तुझे शर्म नहीं आती? उसको मालूम नहीं है यही इमाम आजम है, हया नहीं है, शर्म नहीं, मेरा शौहर का इंतकाल हो गया, गरीब है, गरीब है, गरीब है, और तुम अपने यहां बैठा लेते हो, मुझे मालूम है अगर काम नहीं करेगा, मजदूर का नहीं मिलेगी, तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इमाम आजम की आंखों में आंसू है। इमाम आजम ने फरमाया सुनो, मैं तेरे बेटा को दीन पढ़ाता हूँ, दीन सिखाता हूँ, और दीन का फकीर बनाता हूँ, दीन का फकीर बनाता हूँ। और सुनो, जब तेरा बेटा दीन का फकीर बन जाएगा तो रोग रोगी पिता में डूबू कर फलोता खाएगा। मेरा इमाम ने फरमाया, बुढ़िया कहने लगी इतना बड़ा ख्वाब, इतना बड़ा ख्वाब, ये गरीब बच्चा, और कहा बादशाहों का खाना है, 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 कहने लगी ये बादशाह का खाना है, ये हो नहीं सकता। इमाम आजम क्या कहे और इमाम आजम ने क्या कहा और अल्लामा अलमुद्दी साहब ने कहा, इमाम आजम ने कहा था कि सुनो मैं इसको आज से 60 दिरहम भी दूंगा और दीन का फकीर भी बनाऊंगा, आज से 60 दिरहम भी दूंगा और दीन का फकीर बना दूंगा। अब इमाम आजम के बारगाह में वो बच्चा पढ़ने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ने लगा, जब दीन का फकीर बन गया और इमाम आजम ने उसके सर पर दीन की फियाद का ताज रख दिया। अब उसी शहर में जो अमीर मोमिनीन था, जो बादशाह था, उसने दावत दी और दावत देने के बाद दस्तरखान लगाया और दस्तरखान में शाही खाना है, जायकेदार खाना है, खुशबू आवर खाना है, अच्छा पकवान है। जब बुलाया गया उस फकीर को जिसको इमाम आजम ने पढ़ाया था, अब जब बैठा है तो देख करके रोने लगा, देख करके रोने लगा, रोने लगा, देख करके अमीर मोमिनीन बादशाह ने कहा बाबा क्या आपको ये खाना पसंद नहीं है? क्या आपको ये खाना पसंद नहीं है? क्या किसी किसी में की लजिश हो गई, खता हो गई तो माफ कर दे? तो दीन का फकीर ने कहा था, जिसका नाम किसी और का नाम नहीं,
امام یوسف کہتے ہیں سنو میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں تیرا کھانا خراب ہے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تیرا کھانا بہت اچھا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں آج میری ماں زندہ ہوتی تو دیکھ لیتی میرا امام نے کہا تھا کہ دین کا فقیر بنا رہا ہوں جب یہ دین کا فقیر بن جائے گا تو روگنے پستوں میں دبا کر پھلو نہ کھائے گا خدا کی قسم میری ماں زندہ نہیں ہے آج زندہ ہو جاتی تو دیکھ لیتی میرے امام کیا کہنا بھائی زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ سیرت عائشہ کانفرنس علماء اہل سنت آخری بات کہہ رہا ہوں رونے لگے کہا میری ماں آج زندہ ہوتی تو دیکھ لیتی میرا امام نے جو کہا تھا وہ سب سے اب آؤ قریب آؤ جو صاحب سلطنت ہیں صاحب ولایت ہیں صاحب سلطنت ہیں صاحب ولایت ہیں حضرت محمود کے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے